हरियाणा में पार्टी और नेताओं का लंबे समय से झगड़ा चल रहा अब शांत हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही प्रदेश में पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए थे, जिसके चलते पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने तंवर की कुर्सी छीनकर कुमारी शैलजा को दे दी है। अब कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष होंगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुमारी शैलजा को पार्टी का दलित चेहरा है और अंबाला व सिरसा दोनों जगह से लोकसभा की सांसद रही हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। कुमारी शैलजा पार्टी के नेता चौधरी दलवीर सिंह की बेटी हैं। सिंह भी हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं। बता दें कि अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच विवाद चल रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग थी कि अशोक तंवर को हटाया जाए। अशोक तंवर चाहते थे कि राज्य की कमान किसी भी सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना मिले, इसलिए कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकालते हुए कुमारी शैलजा को पार्टी में कमान सौंप दी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।